नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नई लोकसभा के शपथ ग्रहण समारोह में, जबकि हमारे नव निर्वाचित सांसद शपथ ग्रहण समारोह में भाग ले रहे हैं, शपथ ले रहे हैं, ऐसे समय पर ऐसी कंट्रोवर्सी पैदा होना कि कोई हमारे देश के अलावा बाहर के देशों का जय जयकार कर रहा हो, ये बहुत ही दुखद है। ये देश में रहते हुए और देश की जनता का भी अपमान है। चुने हुए प्रतिनिधि जो संविधान की बात करते हैं, भारत के संविधान की शपथ लेते हैं, कहां लिखा है भारत के संविधान में भारत के संविधान के अनुसार चलना होता तो आपको भारत माता की जय कहना चाहिए, जय हिंद कहना चाहिए, जय भारत कहना चाहिए, वंदे मातरम कहना चाहिए, जय संविधान कहना चाहिए, जय हिंदुस्तान कहना चाहिए, जय हमारा देश कहना चाहिए, जय संसद कहनी चाहिए, जय राष्ट्रपति भवन कहना चाहिए। ये है जय के लिए। इस तरह से अगर बढ़ेगा तो क्षेत्रवाद पनपेगा, क्षेत्रवाद बढ़ेगा। अगर ऐसा होगा तो क्षेत्रीय बातें बढ़ेंगी, क्षेत्रीय भाषाओं का बढ़ोतरी होगी, जो कि राष्ट्रभाषा के लिए, हिंदी के लिए बहुत ही गलत भविष्य है, गलत तरह से है। क्षेत्र की बातें होंगी, क्षेत्र के जयकारे होंगे। कोई आएगा फिर कहेगा अपने प्रदेश की जय, कोई कहेगा खालिस्तान की जय, कोई कहेगा किस तरह से कहे, इसका मतलब तो कोई पड़ोसी देशों में आस्था रखता है, कोई पड़ोसी देशों में विश्वास रखता है, लोग उनकी जयकारा करेंगे, लोग उनकी जय बोलेंगे, हमारे दुश्मन देशों की जय बोलेंगे। इसलिए हम देश के महामहिम राष्ट्रपति जी से, आज उनका अभिभाषण था, इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कुछ ऐसा, और लोकसभा के माननीय स्पीकर जो बने हों बिरला जी दूसरी बार, वो ऐसा कुछ सिस्टम निकालें और सभी राजनीतिक दल भी निकालें, कुछ ऐसा नियम बनाएं, चाहे संविधान में संशोधन करना पड़े, जिसकी वजह से ये चीजें नारा लगना एक निश्चित नारा हो, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, संविधान की जय। ये चीजें अच्छी लगती हैं और ये नियम होना चाहिए, जिससे कि क्षेत्रवाद न पनपे, क्षेत्रीय भाषा न पनपे, हिंदी भाषा का अपमान न हो, देश के संविधान का न अपमान हो, और देश के गौरवमयी 140 करोड़ लोग जो मतदान करके भेजते हैं आप लोगों को लोकसभा में, और वहां आप जातिगत बात करते हैं, क्षेत्र की बात करते हैं, विदेशों की बात करते हैं, अपने देश का अपमान करते हैं, अपने देश में रहते हैं, यहां की सुख सुविधाएं लेते हैं, यहां का सब कुछ लेते हैं और बाहर की जय करते हैं। अगर आपको ऐसा ही अच्छा लगता, वहां जाएं, वहां रहें, वहां चुनाव लड़ें और वहां खूब जय जयकार करें। कौन मना करता है, किसने मना किया, वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन इस तरह से कहना, इस तरह से ऐसी बातें बोलना सदन के अंदर, ये पूरी तरह से बैन होना चाहिए, इस पर कंट्रोल होना चाहिए, नहीं आगे की पीढ़ी, आगे की जनरेशन, जो इस देश की आजादी के लिए शहीदों ने बलिदान किया, जो सर्वोच्च बलिदान किया इस देश की आजादी के लिए शहीदों ने, उनका त्याग, उनका बलिदान, उनकी तपस्या बेकार चली जाएगी। आगे की पीढ़ी तो सोचेगी, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, इस तरह से बातें वायरल होती हैं, वो पूर्ण रूप से गलत है। बात यह नहीं कि संसद की कार्रवाई से हटा दिया जाना, संसद की कार्रवाई से हटना किसने देखा, किसने जाना, कौन समझ पाएगा। अभी तो पहुंच तो गया, लोगों की भावना तो ऐसी बन गई, कोई चाइना की बात करेगा, कोई फिर बांग्लादेश की बात करेगा, कोई पाकिस्तान की बात करेगा, साउथ की, श्रीलंका की बात तो जय जयकार करेंगे। अच्छी बात नहीं, पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देश रहे, लेकिन ये नियम बनना चाहिए और कठोरता से उसका पालन होना चाहिए संसद और विधानसभाओं में।